अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, दुआ करती हूँ आप सब लोग भी अपने अपने घरों में खुशबाश फिटफाट और शादाबाद हों। आइनों से डर जाएंगे लोग यहाँ, आइनों से डर जाएंगे लोग यहाँ, कभी किरदार जो नज़र आया चेहरे की जगह। अच्छा फ्रेंड्स, सितारा यासीन का ट्रिप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। उसके ऊपर उनका जो भी एक टूर है उसके ऊपर एक अच्छा सा रिव्यू देने का इरादा है, इंशाल्लाह कल के दिन ज़रूर देंगे। बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। कुछ चीज़ें जो मेरी नज़रों से गुजरी ना, तो वो उनको देखते हुए मतलब थोड़ा सा एक अजीब सा लगा, थोड़ा सा तो नहीं बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है कि किस तरीके के लोग होते हैं। तो वो देखते हुए मैं जस्ट अपने दो तीन पॉइंट्स यहाँ पर रखूँगी। सितारा जैसे आजकल जो भी अपनी रील्स शेयर कर रही हैं उसमें ख़ास तौर से अभी जो उनकी लेटेस्ट थी जो उन्होंने येलो ड्रेस में तैयबा और फिर आयत के साथ बनाई, उसमें मैंने कुछ इस तरीके के कमेंट्स पढ़े कि अपनी बेटी को भी अपनी बच्चियों को भी नाचने वाली बना रही हो, ये कर रही हो। तो मुझे देख कर इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि वो इतनी सिंपल सी उसकी रील थी, और बल्कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट लगा कि जब उसने जो वो चांद तारों वाला था और पहले इश्क लड़ा लें और उसमें अपनी बेटी को वो माशाल्लाह जिस तरीके से हक करती है, प्यार करती है, इतना मुझे अच्छा लगा, इतना प्योर लगा। क्योंकि मैं जब जब सितारा को देखती हूँ, ख़ास तौर से अब जो भी लास्ट का जो भी टाइम गुजरा है उसके बाद से, मैंने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक माँ देखी है, केयरिंग सी मदर जो होती है, एक केयरिंग सी मदर जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का एहसास होता है ना, वो अपने बच्चों के लिए दोबारा से खड़ी होती है, जो भी कुछ कर रही होती है ना, उसकी ज़िंदगी का एक दायरा, एक महवर जो है ना अपने बच्चों के गिर्द घूम रहा होता है। मैं कम अज़ कम उसके अंदर यही सारी चीज़ें देखती हूँ। फिर उसके बाद बीवी भी है, फिर वो एक बेटी भी है, और मतलब यही सारे रूप उसके नज़र आ रहे होते हैं। तो वो जो रील्स बना रही होती है वो इतनी ज़्यादा सिंपल है, मतलब अगर अब मैं ओवरऑल सारी उनकी रील्स देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल एक सिंपल सा लगता है, एक डिसेंट सा स्टाइल लगता है कि लोग देखना पसंद करते हैं। उसके फ़ैन्स उससे फरमाइशें करते हैं कि आप ये बनाओ, आप ये बनाओ, तो वो उनके लिए बना रही है और अच्छी लग रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चियों के लिए इस तरीके के कमेंट्स आए ना, तो दिल में इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई कि वो मासूम बच्चियाँ वो कर क्या रही हैं। मतलब हत्ता कि एक ऐसा होता है कि चलो बच्चे कोई ऐसा डांस कर रहे हैं, आप उनसे कुछ ऐसे स्टेप्स करा रहे हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा अजीब से लगे, तो कोई इस तरह की बात बोले भी तो भी आपको कोई राइट नहीं है इतने ज़्यादा सख्त और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने का। लेकिन वो मासूम बच्चियाँ कर क्या रही हैं जिसके ऊपर इतने गंदे कमेंट, सिंपल सी इतने प्यारे से होते हैं। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लोग मतलब कैसे लोग होते हैं ना, इतने पत्थर दिल लोग हो जाते हैं कि बच्चियों के लिए आप इस तरीके की बात कर जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अफसोस का मकाम है। और वैसे तो हम क्या ही अफसोस करें इस कंट्रोवर्सी में, जितनी ज़्यादा मैंने क्रूअल्टी देखी है, इतनी ज़्यादा इंसानियत से हटकर चीज़ें देखी हैं कि मतलब दंग रह जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे रूप जो देखे हैं तो समझ ही नहीं आता कि एक रत्ती की भी इंसानियत किसी में बाकी नहीं बची है। फिर ये कि सितारा वहाँ जा रही हैं तो उनका घूमना फिरना, अच्छा जी हिजाब नहीं लिया है और ये नहीं किया है वो नहीं किया, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ओवरऑल जो उसकी ड्रेसिंग नज़र आती है उसमें कहीं मुझे वल्गैरिटी नज़र नहीं आई है। ठीक है, एक उनका अभी दो तीन दिन पहले का एक व्लॉग था जिसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा था कि दुपट्टा जिस तरीके से उन्होंने लिया था, वो भी कुछ मोमेंट्स का एक क्लिप था जिसमें दुपट्टा उनका नहीं था, तो उसके लिए भी जस्ट यही था कि भाई अगर आपने स्कार्फ़ लिया है आप उसको थोड़ा सा आगे की तरफ डाल लें। लेकिन ओवरऑल उनके जो व्लॉग्स हैं उसमें जिस तरीके से वो अपने आप को प्रॉपर्ली कवर करके रखती है, उन्होंने ड्रेसिंग के लिए चूज़ करे हैं लॉन्ग फ्रॉक्स हैं, ढीले ढाले से हैं, तो ये एक उसका एक कॉन्सेप्ट है ना, उसको एक चीज़ थी जहन में कि ठीक है मैं वहाँ जाकर इस तरह अबाया नहीं लूँगी, ये नहीं करूँगी। तो आप प्रॉपर्ली अपनी ड्रेसिंग ऐसी रखते हैं कि आप फिर उसमें बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ना लगें, बहुत ज़्यादा मतलब आप कवर्ड रहें, प्रॉपर्ली ही रहें। तो ऐसा ही सीन है, दुपट्टा प्रॉपर्ली ओढ़े होते हैं। लेकिन जिन लोगों को गंदगी निकालनी होती है वो उसमें से भी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के ले आते हैं, समझ नहीं आता है। वरना मैं ओवरऑल एक बात बोलूँ तो मुझे जो उनका लास्ट वाला ट्रिप था उससे ये वाला ट्रिप बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक सिंपल सा, एक जो फैमिली के साथ आप लेकर चलते हैं और जिस तरीके से आप अपने मतलब फैमिली का ध्यान रखते हैं, आपके साथ आपके बड़े भी हैं, आपको उनकी भी केयर करनी होती है, बच्चों की केयर करनी होती है, फिर मतलब ओवरऑल एक अच्छा सिंपल सा एक फैमिली ब्लॉगिंग नज़र आ रही है, खूबसूरती नज़र आ रही है। जिस तरीके से वो चीज़ें शेयर कर रही है वो एक बिल्कुल आप ऐसा लगता है आप कनेक्ट होते चले जाते हैं उन सारी जगहों से, आप उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, इन्जॉय करें। और सबसे ज़्यादा मुझे जो इस सफ़र में उनकी ये चीज़ पसंद आ रही है कि वो लोग बहुत स्लोली स्लोली हर चीज़ को लेते हुए चल रहे हैं, इन्जॉय करें, हैपहैज़र्ड वे में ट्रिप नहीं हो रहा है, सुकून से हर चीज़ को इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं। तो देखने वालों को भी है ना सुकून मिल रहा है, आंखों को अच्छा लग रहा है देखना, एक गड़बड़ी वाला सिचुएशन नहीं है। इसी तरह बच्चों की ड्रेसिंग है, हर चीज़ है, मतलब बीइंग अ मदर आप
मुझे तो सितारा का बहुत अच्छा हर चीज़ लग रही है। होता है कभी कभार आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पीरियड्स आते हैं, आप उनमें बहुत सारी चीज़ों पे नहीं तवज्जो दे पाते हैं, लेकिन मैंने जो सितारा के अंदर देखा, तो मैंने उनकी फ़र्स्ट व्लॉग से, जब से मैंने उनको देखना शुरू करा उसके बाद से अब तक जो मैं देख रही हूँ, तो मुझे हर लम्हा इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। ऐसा लगता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे चलते हैं, वरना कौन ऐसा है कि वो कहेगा कि नहीं जी मुझसे कभी लाइफ में अपनी कोई गलती नहीं हुई है। कोई भी परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना, तो हर कोई अपनी गलतियों से सीखता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। स्टिल गलतियाँ होती चली जाती हैं, लेकिन आप उसको सही करते चले जाते हैं, सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। बस वो मैंने रील्स देखी उसके ऊपर, मतलब इतनी खूबसूरत सी रील्स, इतनी मासूम मासूम प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ, और जिस तरह सितारा ने बैठ के सिंपल से कुछ दो चार स्टेप करे, वो भी इतने इतने सादा सिंपल के मैं कहती हूँ उस सिंपल सी ड्रेसिंग, उस सिंपल से स्टेप्स पर, उन सिंपल सी रील्स पर अगर कोई इतने गंदे कमेंट्स कर सकता है, तो फिर तो क्या ही रह जाता है, क्या ही रह जाता है। बस मैंने जब वो सारी चीज़ें देखी ना, तो मेरे दिल को अच्छा नहीं लगा है, तो इसलिए जस्ट सोचा कि बात तो करनी है। जो आप फील करते हैं जब, तो फिर उसको कहना ज़रूरी भी हो जाता है। चलें फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमें मोहब्बतें और आसानियाँ बांटने वालों में से रखे, हमारे दिलों को नरम करे, कि हम किसी की खुशी में अगर खुश नहीं हो सकते ना, तो उसकी खुशी को ख़राब भी ना करें। किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो उसको बुरा भी ना बोलें, जब जले नहीं, हसद नहीं करें। चलें फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। एक ही ज़िंदगी है, उसे आसान बनाएं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। अल्लाह हाफिज़।